नमस्कार, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.3 का थर्ड क्वेश्चन। दिया हुआ है हमारे पास एक्स के पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 1। सेकेंड पद हमें दिया हुआ है एक्स के पावर 5 माइनस 4 एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। हम क्या बोल सकते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के पावर 5 माइनस 4 एक्स का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। देन हम q ऑफ x का क्या बोल सकते हैं कि ये हमारा q ऑफ x है, x की पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 1। अब हम क्या लिखेंगे, अब हम क्या करेंगे, q ऑफ x इक्वल टू x की क्यूब माइनस 3x प्लस 1 एंड वास्तविक विभाजन द्वारा। तो हम क्या बोल सकते हैं, x का एक पावर 5 माइनस 4 x का क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। अब हम किसका भाग देंगे, x के पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 1। हम क्या लेंगे, भाज्य का पहला पद x के पावर 5, भाजक का पहला पद x का क्यूब। अब ये कैंसिल होगा तो हमारे पास बचेगा क्या, x का पावर 2। अब हम इस x के पावर 2 बची उसका किस में इंटू करेंगे, जो हमारे पास भाजक है, x की पावर क्यूब माइनस 3x प्लस 1। देन x स्क्वायर का इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस ये क्या आ जाएगा 3x क्यूब, ये माइनस फिर क्या आ जाएगा x की पावर 5। ठीक है, ये आया है हमारे पास। अब हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ क्या लिख सकते हैं, x की पावर 2 जिसका इंटू कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, x की पावर 5, x की पावर 5 माइनस 3x का क्यूब प्लस x स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस का, जो प्लस का है वो माइनस का, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, माइनस माइनस एक्स क्यूब, यहाँ क्या बचा प्लस 3x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा भाज्य का पहला पद है वो लेंगे, क्या है हमारे पास माइनस 3 क्यूब, तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन में क्या लिखेंगे एक्स क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या हमारे पास माइनस 1। माइनस 1 का जब हम इसमें इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 एक्स के पावर 3 माइनस 3x प्लस 1 इंटू माइनस 1, तो क्या आ जाएगा माइनस 1 प्लस 3x, ये क्या आ जाएगा माइनस एक्स क्यूब। तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस एक्स के पावर 3 प्लस 3x माइनस 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो माइनस है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस है वो माइनस का, जो माइनस है वो प्लस का, ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास यहाँ कितना बचा, 2। यहाँ पर शेषफल क्या है, कुछ बच रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ शेषफल 0 नहीं है, इसलिए q ऑफ x इक्वल टू x का क्यूब माइनस 3x प्लस 1 बहुपद, p ऑफ x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x की पावर 5 माइनस 4 x क्यूब प्लस x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ठीक है, का गुणनखंड नहीं है। थैंक यू।